नमस्कार दर्शकों, नया साल 2024 आ गया, बस थोड़े समय बचे हैं, आने वाला है। तो इसमें ये समझ लीजिएगा कि जो बता रहा हूं वीडियो ना, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा देखिएगा, समझिएगा और बिल्कुल वैसा होके रहेगा पूरा। बहुत अच्छे समय दे के रिसर्च करके वीडियो आप लोग के लाया हूं, अगर आप मिस करते हैं तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। और मैं पहले पास्ट के बारे में बताऊंगा, तब आपको मैच हो, तब लगे, तभी आगे बढ़ना, नहीं तो आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष लग्न के जातक के लिए वीडियो है। तो 2024 में जो शनि अभी जनवरी में ही गोचर किए हैं, कुंभ राशि में आए हुए हैं और 25 तक अभी रहेंगे, तो 24 में ही शनि जो है कुंभ राशि में रहने वाले हैं, पूरे 24 में। 23 में भी रहे थे, कभी अस्त हुए, कभी उदय हुए, 24 में भी अस्त होंगे, 24 में भी उदय होंगे। तो पहले जान लेते हैं कि 23 में मेष राशि पे क्या शनि का प्रभाव पड़ा और उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए, फ्यूचर का बताने से पहले पास्ट के बारे में तो बताना चाहिए ना, ताकि आप लोग को लगे। चलिए, तो मेष राशि और मेष लग्न का वीडियो, और शनि यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। शनि 2023 में वक्री भी हुए थे, ठीक है, तो शनि का दृष्टि पंचम घर पे पड़ा और शनि यहीं पे बैठे हैं। 17 जनवरी से कुंभ राशि में शनि यहां पे आ गए थे, ठीक है, तो 30 जनवरी को ये अस्त हो गए थे और 18 जनवरी से आए थे। देखिए, जब शनि यहां पे आए थे ना, तो कहीं ना कहीं शनि जो है पंचम घर के स्वामी सूर्य मजबूत थे और शनि का भी अच्छा बल मिला था सप्तम घर को, तो पंचम घर अच्छा हुआ था। तो आप इस बात को देखे होंगे, लगभग जैसे ही कुंभ राशि में 2023 के शुरुआत में पंचम घर आपका बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो पंचम घर जब स्ट्रांग हुआ, जैसे ही कुंभ में आए, तो आपको देखने को मिला होगा कि कुछ सोचा गया, कुछ काम आपका हो गया, कमेंट करके बताना। सोचा गया आपका काम कुछ हुआ, जैसे जनवरी के बाद से कुछ आपने सोचा, कुछ आपने मन की इच्छाएं थी, कुछ आपने डिसीजन लिया, वो डिसीजन सही हुआ और सोचा गया काम आपका हो गया था जनवरी के बाद से, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन शनि यहां पे बैठे हैं और शनि यहां पे जनवरी के आसपास अस्त थे, करीब करीब जनवरी से लेके मांग चली मार्च तक तो अस्त है, तो आपके आय में वृद्धि नहीं हुआ था। आय में वृद्धि मार्च तक तो आय में कोई खासा वृद्धि नहीं था, आय का स्थिति बहुत अच्छा आपका नहीं चल रहा था, ये पैसा आने को लेके समस्या तकलीफ आपको थी ही थी, लेकिन पंचम घर मजबूत था, तो आप अपने सोच से, आप अपने बुद्धि से, आप दिमाग से जो कर पा रहे थे कर पा रहे थे, नहीं तो आय का स्थिति बहुत शानदार नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको लगा ही था, कमेंट करके बता रहा। फिर जैसे ये उदय हुए, मार्च के बाद से ये उदय हुए, ठीक है, तो मार्च के बाद से जैसे उदय हुए, पंचम घर उदय मतलब कि पावर लेके आए, और जैसे पावर लेके आए तो दृष्टि पंचम घर पे पड़ा इनका, और यहां तो वैसे ही स्थिति में थे ये। तो ग्यारहवें आय को लेके दिक्कत ही दिक्कत है, आय को लेके बहुत अच्छा संकेत नहीं रहा था, आय को लेके, पैसे को लेके 2021 जो है इनकम के आय को लेके 2023 आपके लिए बढ़िया नहीं था, पैसा आने को लेके वो स्पीड नहीं मिला, वो फ्लो आपको नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, और उसके बाद पंचम घर भी आपका कम हो गया था, तो मार्च के बाद से आपका स्ट्रगल ओवर बढ़ गया होगा, क्योंकि आपका सोचा गया काम मार्च के बाद से नहीं हो रहा था, मार्च के बाद से उल्टा ही पड़ रहा था, मार्च के बाद से बिल्कुल सही चीजें नहीं हो रही थी, आय का दिक्कत था ही, पंचम घर भी नहीं था, तो बहुत दिक्कत हो गया था, प्रमोशन नहीं मिला, जो सोचे वो काम नहीं हुआ, उल्टा पड़ गई, इससे कई सारी समस्या आपको देखने को मिला होगा, कमेंट करके बताना। फिर जून को देखा जाए, फिर अगस्त को, फिर उदय भी,
फिर जून के बाद से वक्री हो गए तो और दिक्कतें बढ़ी। तो मतलब मिला जुला के जो 2023 था ना, वो शुरुआत में तो कुछ फायदा हुआ था आपका, सोचा गया शुरुआत में तो हुआ, लेकिन मार्च के बाद जो स्थिति गड़बड़ाया ना, कोई काम ही नहीं बना, पैसा के लिए पूरा कोशिश किया गया, पूरा प्रयास किया गया, अभी नहीं चला, कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ नया प्लानिंग भी आप सोचेंगे वो भी नहीं चला, तो बहुत अच्छा 23 आपके फाइनेंस को लेके नहीं रहा था और पंचम घर को भी डिस्टर्ब किया था, तो बहुत अच्छा तो कंडीशन आपका नहीं रहा। अब क्या होगा देखिए, अब जैसे कि 16 मार्च के बाद अस्त हो जाएंगे, 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक अस्त हो रहे हैं, अभी तो मार्ग स्थिति में है तो, लेकिन अस्त हो रहा है, शनि पे भी क्या है ना, शनि पे भी क्या है, आय के भाव में, लेकिन दशम घर के स्वामी शनि हो गए ना, शनि पे भी कभी पंचम घर का प्रभाव, शनि पे भी नक्षत्र का भी प्रभाव है, बाकी ग्रह भी आ जा रहे हैं, कोई शनि आ रहा है, कभी शुक्र आ रहा है, कभी सूर्य आ रहा है, कभी मंगल आ रहा है, कभी हर महीने कुछ ना कुछ शनि को घेरा हुआ है, तो इसलिए शनि को बल नहीं मिल पा रहा है। तो नए साल में क्या होगा, पूरा साल अगर देखा जाए तो पंचम घर थोड़े बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर से डिस्टर्ब होगा, तो जो नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक का समय है, जिन्होंने नवंबर से लेके, उसमें फिर पंचम घर एक्टिव होगा क्योंकि मार्गी हो गया है, तो फिर कुछ टाइम के लिए आपका सोचा गया काम कुछ अप्लाई होगा, कुछ जो प्लानिंग करेंगे वो चल जाएगा, कुछ आपके मन मुताबिक चीजें होंगी शुरुआत में, लेकिन जैसे शनि को फिर वक्री होंगे, ये शनि फिर अस्त होंगे, फिर मार्च के बाद से फिर उदित होंगे, तो उसके बाद से तरह तरह के अप डाउन आएंगे, लेकिन आय का घर आपका बहुत अच्छा नहीं होगा, तो पैसा को लेके आय को लेके आपकी स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, आय में कोई खासा बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि आपको करीब के जब मार्च के बाद से थोड़ा बहुत आपको जॉब लगे या कुछ अच्छा हो मार्च के बाद से, लेकिन चीजें मार्च के बाद ही अच्छी होंगी आय को लेके, नहीं तो डिस्टर्ब है। मार्च के बाद 24 पे मार्च के बाद पंचम घर भी कमजोर होगा, तो तरह तरह की दिक्कतें आएंगी आपके साथ। अब मान लीजिए आपके कुंडली में सूर्य कैसे हैं, अगर मान लीजिए आपके कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे हुए, शनि बहुत अच्छे हुए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए 2023 में अगर आपको वो ग्रोथ नहीं मिला, तो कहीं मतलब है कि आपके शनि कमजोर है, आपके सूर्य कमजोर है, अगर मिला है तो 24 में भी आपको मिलेगा, लेकिन 23 में अच्छा नहीं है ना, ग्रोथ है ना, तो शनि खराब है सूर्य खराब है, तो वही चीज आपका 2024 में भी आपके साथ वैसा सेम टू सेम होने वाला है। सूर्य मान लीजिए एक नंबर में अगर सूर्य हो, 5 नंबर में हो आपके सूर्य, तो बहुत अच्छा कंडीशन है। शनि अगर आपके 7 नंबर में हो, 10 नंबर में हो, 11 नंबर में हो, शनि मजबूत सूर्य मजबूत, तो आपको टेंशन की बात नहीं है, नहीं मजबूत होंगे तो फिर आपको टेंशन की बात है, बाकी आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे सूर्य कहाँ बैठे वो देखने के मालूम बाद ही मालूम चलेगा, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, पर्सनली अगर आप बात करना चाहें तो कुछ चार्जेज पे करके आप पर्सनली बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।